बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ हरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, नाज़रीन, दुबई ने इंटरनेशनल विजिटर को वेलकम किया है और 7 जुलाई को तमाम इंटरनेशनल विजिटर के लिए दुबई को ओपन कर दिया गया और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं और कुछ ज़रूरी जो टेस्ट हैं कोरोना के हवाले से वो विज़िटर को करवाने पड़ेंगे और आबादी तमाम तदाबीर पे उनको अमल करना पड़ेगा। और आगे चलने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से, भाइयों से, कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, तकरीबन गुज़श्ता 4 मंथ से यूएई में ये विज़िटर वाला सिलसिला बंद था, जो कि अभी अल्लाह के फजल व करम के साथ 7 जुलाई को ये ओपन कर दिया है। तमाम सहा भी दुबई आ सकते हैं और इसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ ज़रूरी हफाजती तदाबीर का भी बताया है जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले जो भी विज़िटर हजरात दुबई का रुख करते हैं और उससे पहले तकरीबन 4 दिन PCR टेस्ट करवा लें ताकि उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो उनके साथ हो, और यहाँ पे एयरपोर्ट में उतरते ही उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी जो कि नेगेटिव होनी चाहिए और 4 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहले आप ज़हन-नशीन कर लें, जो भी दुबई में विज़िट के लिए आ रहा है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक हेल्थ फॉर्म है वो भी फिल करके वहाँ पे देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस के बारे में बताया कि ट्रेवलिंग इंश्योरेंस जो है वो भी होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर अगर यहाँ पे किसी भी सहा का विज़िटर का टेस्ट किया गया, उसका जो पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आ गई उसकी, तो उस पर जितना भी अखराजात आएगा वो तमाम उसको खुद उठाना पड़ेगा विज़िटर को। तो इससे बेहतर ये है कि आप वहीं से जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहीं से आप अपना PCR टेस्ट करवा लें और यहाँ आने पे वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जमा करवा दें, ये आपके लिए बहुत आसानी है। और फिर उसके अलावा जो भी हफाजती तदाबीर गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी फॉलो करें, जिसमें मास्क है, फेस मास्क और हैंड ग्लव्स और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने हफाजती तदाबीर शाया की हैं उन सब पे अमल करना ज़रूरी है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि शेयर करनी आपके साथ बहुत ज़रूरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे मज़ीद आसानियाँ हो जाएंगी और मज़ीद, और अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।